नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत तेलंगाना के हैदराबाद वासवी अस्पताल में भर्ती हुए। उन्हें गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर पुलिस द्वारा धक्का दिए जाने के बाद गिर गए। उनकी दाहिनी आंख, हाथ और पैर में चोटें आई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस घटना की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता नितिन राउत को भारत जोड़ो यात्रा में पुलिस द्वारा धक्का देने पर गिर गए थे, जिसमें उन्हें काफी चोट लग गई है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन की शुरुआत आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद शहर से की। यात्रा में अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता पूजा भट्ट भी कुछ समय के लिए शामिल हुई। कार्यकर्ता व समर्थकों की भारी भीड़ के बीच राहुल ने यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा पिछले सप्ताह तेलंगाना में प्रवेश करने से पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजरी।